हॉकी इंडिया लीग हिंदुस्तान की सरजमीं पर हो रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे प्लेयर्स थे जिनको मतलब देखने का एक मौका मिलेगा, जैसा कि मैंने देखा कि 53 ओलंपियन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सच पूछिए तो एक हॉकी को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी पहल है, और काश मैं वही मोहम्मद शाहिद बन जाता और मैं भी खेलता तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरे ख्याल से हॉकी को इम्प्रूव होना चाहिए, और मेरी दुआएं हैं, गुड विशेस हैं कि जो भी प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, हॉकी को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छा पहल है। नहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा इस बात को कि इसमें बहुत सारे जो बच्चे खेल रहे हैं, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करने का बहुत मौका मिलेगा। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि हम लोग इस समय बहुत हॉकी हुआ करती थी, टेस्ट सीरीज़ हुआ करती थी, हम लोग साल साल भर खाली नहीं रह करते, कुछ सीखने को मिलता था। तो इसमें जो नए प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं, उनसे सीखने को मिलेगा और मेरे ख्याल से हॉकी ज़रूर ऊपर आएगी। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं एक बहुत ही स्किल का प्लेयर था, मतलब मैंने बहुत बड़े प्लेयर्स हिंदुस्तान की सरजमीं पर देखे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं ये लीग स्टार्ट होगी, जो मैं ये लीग की देखूँगा, तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जो एक कलात्मक हॉकी खेल रहे हैं, और कलात्मक हॉकी खेलने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद का पूरा भरोसा है कि अगर मैं लीग स्टार्ट होती है तो मुझे देखने का मौका मिलेगा, और मैं उन प्लेयर को इंगित करूंगा कि कौन एक प्लेयर है जो कि कलाकारी से हॉकी खेल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इतने बड़े इवेंट जो हो रहे हैं उसमें ज़रूर अच्छे से अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। देखिए, किसी ने इस बात को जयपुर में मुझसे पूछा था कि शायद तुम्हारे में एक इल्ज़ाम लगा करता था कि तुम ड्रिबलिंग बहुत करते थे, तो मैंने उनसे कहा था कि सर ये बताइए कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें गिनाई, लेकिन मैं नहीं कहता चला गया। तो उन्होंने थकार के मुझसे ये कहा कि अच्छा तुम ही बता दो। तो मैंने कहा जब चांद में दाग है तो मैं क्या हूँ। आपने क्वेश्चन अच्छा किया। सबसे 4 महीने गुजरे हैं लंदन ओलंपिक में, हमारे हालात ठीक नहीं थे। अभी जैसा कि आपने चैंपियन ट्रॉफी देखा, उसमें हमारी पोजीशन अच्छी थी और परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हॉकी में जो अप डाउन लगा है, इसीलिए इतना बड़ा वर्क किया जा रहा है, ये लीग जो मैच स्टार्ट होंगे और इसमें जो खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल रहा है, सच पूछिए सीखने का मौका मिलेगा। जहाँ तक 2016 की बात करते हैं, तो माफ़ कीजिए पल की खबर तो है नहीं, लेकिन मेरी गुड विशेस है कि 2016 में हम हॉकी को उस मुकाम पर ले जाए जहाँ की हम पहुँचा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 8 बार के ओलंपिक चैंपियन हैं। तो जैसा कि सिद्धुपा जी ने अभी कहा कि आप लोग भी हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं, और जितना वर्क हो रहा है, मुझे उम्मीद का पूरा भरोसा है कि हॉकी ज़रूर ऊपर उठेगी।